नमस्कार दोस्तों, मैं देवा चौहान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ठाकुर कैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे खतरनाक डॉग ब्रीड्स की। एक जो है हमारा अफ्रीकन वाइल्ड डॉग है और दूसरा हम सबका फेवरेट जर्मन शेफर्ड डॉग है। जो दोनों डॉग हैं, मैं इन दोनों के बीच में आज कंपेरिजन करने वाला हूँ कि क्या अगर इन दोनों के बीच में अगर कभी फाइट हो तो इन दोनों की फ़ाइट में कौन जीतेगा। पहली चीज़ तो ये, मैं किसी भी टाइप की एनिमल फाइट को और एनिमल क्रुएलिटी को बढ़ावा नहीं देता हूँ। बस ये एक वीडियो है ऑब्जर्व करने के लिए कि जो एक पेट डॉग होता है और जो एक वाइल्ड एनिमल होता है, तो उन दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है। और ये दो ऐसे हैं जिनके हाइट वेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं, इसलिए मैंने इन्हें चुना है। तो सबसे पहले हाइट की बात करते हैं। 22 से 26 इंचेस का जो होता है आपका जर्मन शेफर्ड, और जो वाइल्ड डॉग होता है वो 24 से 30 इंचेस होता है। यानी जो वाइल्ड डॉग की हाइट होती है वो जर्मन शेफर्ड से ज़्यादा होती है। बोले तो एक डॉबरमैन जैसी हाइट होती है एक वाइल्ड डॉग की, और जर्मन शेफर्ड की हाइट ज़्यादातर लोगों ने तो देखा ही होगा कि कैसी क्या हाइट होती है। जर्मन शेफर्ड का वेट जो है वो ज़्यादा होता है, हाइट थोड़ी सी कम होती है वाइल्ड डॉग से। हाँ, कुछ जर्मन शेफर्ड्स की बात अलग है जो अच्छे खासे ऊंचे होते हैं, वो वाइल्ड डॉग जितने ऊंचे हो सकते हैं, बाकी जो नॉर्मल हाइट होती है वो तो छोटा ही होता है। अब बात करते हैं वजन की, वेट की। तो जो वेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेट जो होता है वो जर्मन शेफर्ड का ज़्यादा होता है। जो आपका वाइल्ड डॉग होता है उसका वेट कम इस वजह से होता है क्योंकि उसको जंगल में शिकार करना होता है, बहुत ही लंबी लंबी दूरियाँ तय करनी होती हैं। ये 10 मिनट से 1 घंटे तक भी शिकार के पीछे भागते रहते हैं, और इनका जो कामयाबी की जो दर है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। हर 5 में से 4 शिकार ये कन्फर्मली पकड़ लेते हैं। अब जर्मन शेफर्ड किस यूज़ में आता है, या तो गार्ड डॉग होता है, या तो फिर आपका प्रोटेक्शन ट्रेनिंग में काम आता है, पुलिस में काम आता है, आर्मी में इसे एज अ सर्च डॉग, या फिर कभी कभी अटैक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के दोनों का वेट आप समझ सकते हैं कितना क्या अंतर है। अब बात करते हैं स्पीड की। 71 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इतनी जो स्पीड होती है वाइल्ड डॉग की वो इसलिए होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जंगल में जीने के लिए शिकार करना पड़ता है, शेर हो या हिरन भागना तो पड़ेगा ही, तो उसी के लिए ये जो वाइल्ड डॉग है इसकी जो स्पीड है इतनी तेज़ होती है। जर्मन शेफर्ड नॉर्मली इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो भी इंडोर वर्क हो या फिर आउटडोर्स हो, मतलब जंगल तो नहीं लेकिन हाँ, अगर आसपास का माहौल है तो उसके हिसाब से किया गया है इसको मॉडिफाई। अब बात करें बाइट फोर्स, तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, 1000 पर स्क्वायर इंच और 238, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो जर्मन शेफर्ड की बाइट फोर्स है देखा जाए तो वाइल्ड डॉग के सामने कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला है कि जो वाइल्ड डॉग है वो कई जगहों पे जर्मन शेफर्ड से बेटर है। और रही बात फाइटिंग की, तो वाइल्ड डॉग को काफ़ी एक्सपीरियंस है बचपन से लेके बड़े तक, और इस वजह से जो फाइट होगी उसका जो विनर है वो वाइल्ड डॉग है। बाकी जर्मन शेफर्ड एक बहुत ही अच्छी डॉग ब्रीड है, बहुत ही फेमस पॉपुलर और ब्रेव डॉग ब्रीड है, तो उसमें भी कोई कमी नहीं है। बाकी जो मैंने बताया, जो जंगली होता है वो जंगली होता है और जो पालतू होता है वो पालतू होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें। बाकी सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।